नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। धर्म परिवर्तन की साजिश के शिकार मनु यादव नाम के बच्चे की मां ने बड़ा खुलासा किया है। नोएडा धर्म परिवर्तन मामले में बहुत बड़ा खुलासा। गुरुग्राम के पीड़ित मनु यादव की मां का आरोप, विदेश से वीडियो कॉल आया करता था, ये बड़ी बात कही गई है मनु यादव की मां की ओर से। मनु यादव दरअसल की वही असक्षम बच्चा है जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। मनु की मां तालीम मोहम्मद नाम का शख्स जो है वो संपर्क करता था। नाम भी बताया मनु की मां ने कि तालीम मोहम्मद नाम का शख्स लगातार उनके संपर्क में था। गुरुग्राम के पीड़ित मनु यादव की मां ने बड़ा आरोप लगाया है, विदेश से वीडियो कॉल आते थे और तालीम मोहम्मद नाम का शख्स लगातार संपर्क में था। नेहा हमारी सहयोगी मनु यादव के घर पर मौजूद है, उनके माता पिता लगातार इस मामले में बड़े खुलासे कर रहे हैं। नेहा, परिवार वाले और क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी उन्हें नहीं थी जब तक मनु यादव का धर्म परिवर्तन किया गया? मैं, और क्या क्या जानकारी, क्योंकि अभी जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है विदेशों तक से लिंक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी कि इन्होंने साफ तौर पे, मनु यादव की माता है अनीता यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कॉल विदेश से आता था, वीडियो कॉल आता था और उस वीडियो कॉल से बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताया जाता था कि किस तरीके से वो मुसलमान धर्म के नमाज को पढ़ेंगे, कैसे वो धर्म जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और किस तरीके से उस धर्म से उनकी एक अलग पहचान होगी और वो पहचान वो पैसे के बदौलत उस बच्चे को, छोटे से बच्चे के दिमाग में डाल रहे थे। और एक किस्सा भी इन्होंने शेयर किया, मैं सीधे आपको जोड़ूंगी उस किस्से से, मैं तुरंत आपको जोड़ रही हूँ, मैं एक मिनट में बस आपको जोड़ रही हूँ, क्योंकि वो किस्सा मैं अपने मुंह से भी बता सकती हूँ लेकिन वो किस्सा इनकी माताजी से सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कितने छोटे छोटे लालच, इतने छोटे छोटे लालच दे के किस तरीके से एक मध्यम वर्गीय बच्चे को किस तरीके से भटकाया गया है। और उस भटकाव की वजह से वो छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से इतना दूर चला गया कि वो आज वापस नहीं आ रहा। इस असमंजस में कि वो अपने पेरेंट्स को चुने या फिर उन लोगों को चुने। ठीक है, इधर अनीता जी, आपने कहा कि आपने तालीम मोहम्मद का नाम लिया था। हाँ जी। वो क्या करता था ये मुझे नहीं पता जी, मतलब ये तो इनके पापा के पास वीडियो कॉल आई, मतलब उसका फोटो आ रहा था व्हाट्सएप पे। अच्छा। वो क्या करता था क्या नहीं, लेकिन मतलब उसने मैसेज किया। हाँ। वो नंबर इसके पापा ने निकलवा लिया था जैसे। हाँ। तो वो नंबर, वो मैसेज हमारे पास ही आना था, वो समझा मन्नू चला रहा है इसको। हाँ। हाँ। तो उसने मैसेज किया कि मन्नू आप क्या कर रहे हो, मन्नू यादव आप कैसे हो, कि मैं फाइन, मतलब कुछ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो आप क्या कर रहे हो, मैं क्या जॉब कर रहे हो आप, मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या जॉब कर रहे हो, मैं पिज्जा डिलीवरी कर रहा हूँ। ये इसके पापा ने मतलब चैट की, मैं पिज्जा डिलीवरी कर, ओहो मेरे को तो बड़ा दुख हुआ। अच्छा, आप पिज्जा डिलीवरी कर रहे हो और आप जो है ना, मैं आपके लिए जॉब देखता हूँ और आप आ जाइए मेरे पास। बोले ठीक है। उसके बाद इनकी कई बार बातें चीते हुई हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता कन्फर्म कौन से मतलब उससे है। नहीं, ये बताया वो नंबर विदेशी था। हाँ, नंबर विदेशी था जी। अच्छा। नंबर विदेशी था, तालीम मोहम्मद उसका नाम था। हाँ। और ये बताया वो जो वीडियो कॉल वगैरह करते थे क्या उससे ही ट्रेनिंग मिलती थी मनु को, इसको क्या करना है? मतलब ये वहाँ तो जाता ही था नोएडा डांस सोसाइटी में, मतलब ये गया है वहाँ से तो इसको मिली ही मिली ट्रेनिंग है उस वहाँ से, मतलब एजुकेशन के बहाने से उसको कहाँ बुला के कहाँ एजुकेशन ये दी गई है तो हमें पता नहीं, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी के उससे ये गया है। हाँ। वहाँ से इसको कहाँ भेजा गया इन बच्चों को, कहाँ नहीं, कहाँ से मतलब इनको ये एजुकेशन दी गई है मुस्लिम धर्म की। अनीता, आप कह रहे हैं विदेशी नंबर से वीडियो कॉल आता था। बिल्कुल आई, जब वो वीडियो कॉल आता था तो वो लोग, वो बनु आप लोगों के साथ नहीं बैठता था? नहीं, वो नहीं बैठता था। एक जब विदेश से मतलब पिछले साल कॉल आती थी तब तो ये बैठता था, मतलब मैंने उस बंदे का चेहरा भी देखा है और वो बात करता था कि आप विदेश आ जाओ। तब पता नहीं मैंने उन्हें बच्चे को कैसे कैसे रखा, उसने मेरे बेटे को समझाया कि वो इशारों में बात करते थे इनसे। हाँ जी, और इशारों में बात करके इसने कहा कि मतलब यूनियन बैंक में, क्योंकि मेरे बेटा का तो पहली पेंशन का भी खाता खुल रहा था और कंपनी से वैसे भी खुल रहा था। मैंने कहा भाई तेरा देना बैंक में स्कूल ने भी खुला तो यूनियन बैंक में किस लिए खुलवा रहा है। इसने खुद से जाके उसने कहा कि मतलब विदेश आने के लिए यूनियन बैंक में खाता खुलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बेटे ने यूनियन बैंक में खाता खुलवाया वहां जाने के लिए। फिर मतलब मैंने इसको ज्यादा मतलब वो समझाया, धमकाया, उससे कहा कि तेरा दोस्त इतना पैसा, क्या पता तेरे को क्या पैसा देगा, तेरे से बर्तन साफ करवाएगा या क्या करवाएगा, तू क्या करेगा विदेश में जाके, तेरे को मार देंगे, मैं कहाँ से लेके आऊंगी तेरे को, मेरे से वे बात बताओ। बोले ये तो आप तो मेरे को बच्चा समझते हो,
लेकिन फिर मतलब मैंने कहा भाई वो इतना ही पैसा देता है, मैंने एक दिन उससे कहा इतना ही पैसा देता है तो मेरे को मंगाओ, पहले मेरे पास पैसा है मैं जब तो देखूं वो कितना पैसा देता है। जिस दिन मैंने ये कहा उस दिन मेरे बेटे ने कहा मेरी मम्मी ऐसे कह रही है, उस दिन के बाद उसने कॉल नहीं करी है, आज तक भी वो बंदा मैंने फोन पे नहीं देखा है। और अगर अगर लड़का छुप के बात करता होगा तो ये मुझे मालूम नहीं, मतलब मेरे से अब वो काफी टाइम से कई महीने से बिल्कुल माँ जिस तरह की बातें कर रही है ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव ये भी बनाया जाता था मनु के ऊपर कि आप अपने पेरेंट्स को अपने परिवार वालों को इन बातों को ना बताएं, उनसे मशवरा ना ले, उनको बताएं ना, ताकि पेरेंट्स जो है जिस तरीके से अनीता जी कह रही है कि उन्होंने रोका था। आपके पास लौटेंगे नेहा, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो बता दें, नोएडा के जिस स्कूल में धर्म परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश हुआ है वहां के अकाउंटेंट से हमने बात की है। अब अकाउंटेंट इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है वो आपको सुनाते हैं। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 117 में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये वही स्कूल है जहां पर धर्मांतरण को लेकर शिकायत हुई है, जांच की जा रही है, पुलिस भी मौके पर आई है, फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अकाउंट सेक्शन में काम करने वाले विशाल मौजूद हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है दो लोगों की धर्मांतरण को लेकर कि उनका धन परिवर्तन किया जा रहा था, क्या कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी वो आए उन्होंने दो बच्चों का नाम लिया है तो पहले हम अपना डेटा चेक करेंगे और फिर हम उनको बताएंगे। कितने बच्चे आप तकरीबन यहाँ पर पढ़ते हैं और अभी हर सेशन में हर साल? तकरीबन 400-500 बच्चे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम वाले आपको ज्यादा बता पाएंगे, नंबर में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको। पुलिस ने क्या क्या आपसे जानकारी लेनी चाहिए, आपने क्या बताया उनको? कुछ उन्होंने डिटेल मांगी है, मतलब जो आपने बोला जो दो बच्चों की, तो वही पहले एक बार हम अपना डेटा देखेंगे फिर उसमें देखेंगे वो बच्चे हमारे यहाँ के थे या नहीं थे। पुलिस यहाँ पर आज के अलावा इससे पहले कभी पुलिस आई, कोई यहाँ पर पूछताछ की है? मेरी जानकारी में नहीं है। तो अकाउंटेंट को आपने सुना और परिवार वालों को भी हम आपको लगातार सुना रहे हैं, मनु यादव के परिवार के लोग लगातार हमसे बात कर रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए। नेहा हमारी सहयोगी गुरुग्राम से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, लेकिन जो परिवार के लोग बता रहे हैं क्या वो ये बता पाने में सक्षम है कि आखिरी बार उन्होंने मनु यादव से कब बात की, कभी ऐसा हुआ कि शक हुआ, जैसे कि माता जी बता रही है कि विदेशों से फोन आते थे तो उन्होंने पैसे को लेकर जानकारी? राजीव जी, बिल्कुल, मैं आपके सवाल को जोड़ती हूँ, आखिरी बार आपके बेटे से कब बातचीत हुई सर? आज सुबह? आज सुबह बात हुई, सुबह बस इतना, मैं सोने लग रहा था, मेरे को हाथ किया कि मैं जा रहा हूँ, बस इतनी बातचीत, बस इसी। साधारण बातचीत होती थी, सामान्य बातचीत होती थी? सामान्य बदलाव कब से महसूस करना शुरू किया परिवार के लोगों ने? 4-5 महीने से, तो मतलब वो बातचीत तो बाद दूर है, दर्शनों के लिए तरस गए। आप अनीता जी कह रही थी 2017 से कहीं ना कहीं उनमें चेंजेस आना? मैडम 2017 में एक टाइम चेंजिंग आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो समझाया उसके बाद उसको बंद हो गया था, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं गया। उसके बाद फिर 2020 मई के अंदर शायद मई या जून में दोबारा से चेंजिंग आनी स्टार्ट हुई उसके अंदर। अच्छा, तो चेंजिंग आते तो क्या चीज है वो करने लगता था, मतलब वो मतलब बदला सा, मतलब बारीकी से हिंदू धर्म से अलग हटके दूसरे धर्म की बातें पूछना, इसके अंदर ये है, मैं इसके अंदर जाऊंगा, ये चीज है, मतलब अलग अलग चीजें बातचीत पूछनी। अच्छा। बता रहे हैं लेकिन नहीं, ये आप भी इसके अंदर चलो। अच्छा, आप लोगों को भी कहता? हमारे को भी ये कहता, अभी कहता वो अपनी माता जी को कह रहा था नमाज पढ़, अभी ये कहता कि वो किताब लाके देता हूँ उसको पढ़ा करो, अच्छा रहेगा, कुरान? हाँ, कुरान लेके ले आता हूँ उसको पढ़ा करो। अच्छा, खुद तो पढ़ ले, खुद तो पढ़ना आता नहीं, मुझे पढ़ाएगा? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी उनकी माता जी का ये कहना था कि वो नमाज पढ़ने के लिए कहता था, वो ये कहता था जैसे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार होते वैसे नहीं करेंगे हम, आप ये इसके अंदर ये कहता कि हिंदू धर्म के अंदर तो माचिस की तिल्ली जलाते हैं, हिस्सा रहा है उसको हमारे हिंदू आग लगाते हैं और उसके अंदर क्या है जमीन खोद के उसको सदा के लिए रखते हैं। अब ये नहीं कहते कि उसको गंदगी को सड़ाते हैं नीचे, ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि उसको रखेंगे उसके वहाँ, फिर जाएगी परी आएंगी उसको उड़ा के और लेके जाएंगे उसमें, लेके जाएंगी। अच्छा, वो ऐसे ही इशारों में बोलता था कि ऐसी परी आएंगी और वो लेके जाएंगी ऊपर। अच्छा, हमें क्या उम्र हो गई होगी अभी इस वक्त? तकरीबन 21-22 साल। 21-22? अभी वो मैक्स में आईटीआई? नहीं नहीं, अभी मैक्स में नहीं है, मैक्स तो उसने छोड़ दिया, जैसे ही इसके अंदर कन्वर्जन के अंदर आया ना। हाँ। उससे पहले जब इसका ये था उससे पहले मैक्स छोड़ दिया, और मैक्स छोड़ने के बाद आईटीआई फिर एग्जाम था उसका, कन्वर्जन के बाद में जो पता चला था उसके बाद में फिर आईटीआई थी उसकी, आईटीआई के एग्जाम भी नहीं दिया। अच्छा, ये भी खत्म हो गया उसके एग्जाम, मतलब सारी चीजें उसकी खत्म हो गई थी, जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो गया। तो वो किसके साथ समय बिताता था ज्यादा से ज्यादा?
वीडियो कॉल पे देखिए ज्यादा वो वीडियो कॉल पे मोबाइल पे ज्यादा वो यानी कह सकते हैं कि मन्नू को समझाने के बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हो गया यानी कह सकते हैं कि जो लोग उससे लगातार संपर्क में थे नेहा उनके चंगुल से वो छूटने लगा तो फिर कुछ ऐसा किया गया कि मन्नू कहीं ना कहीं लाचार हो गया और उनके शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुका था। यही वजह है कि उसने अपने माँ बाप की नहीं सुनी। श्वेता देखिए श्वेता मैं बात बोलूंगी शकील का नाम लगातार अनीता भी ले शकील का नाम लगातार अनीता भी ले रही है और राजीव जी भी ले रहे हैं। शकील वो लड़का था जो कि नोएडा के डेफ स्कूल में टीचर के तौर पे वो काम कर चुका है। वो संपर्क में आया मनु के, वहां से इनके संपर्क जो है और लोगों से बढ़े, चाहे वो उमर हो, तमाम जिनके नाम आ रहे हैं उन सबसे इनका संपर्क बढ़ा है। और उसके बाद इन लोगों ने लगातार प्रयास किया कि ये धर्म कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल, ये पूरा चेन है, ये पूरा चेन है। एक एक कड़ी किस तरीके से जोड़ी गई और कहां पर किस तरीके से किस गोटी को फिट किया गया कि आप किस तरीके से वैसे लोगों को ढूंढे, वैसे बच्चों को ढूंढे जिनको आप अपने शिकंजे में ले सके। देखिए इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, जैसा आप शकील का नाम ले रही है, यानी पूरी की पूरी चेन तैयार थी कि किस तरीके से कन्वर्जन कराना है। नेहा लौटेंगे आपके पास, फिलहाल जो खबर आ रही है वो इस वक्त दर्शकों को बता दे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमर गौतम के घर पहुंची है जी हिंदुस्तान की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, आलिशान फ्लैट में उमर गौतम रहता है। इसके अलावा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर उसका फ्लैट है, आलिशान तरीके से रहता है, लेकिन उसका धंधा क्या है, लोगों का धन परिवर्तन करना। ऐसे में अब उसके खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, उमर गौतम का ये वो घर जामिया नगर में ये बनाया गया आलिशान घर, चौथे फ्लोर पर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत नई नई में भी तो कई लाखों में होगी, जिसे आम व्यक्ति तो अफोर्ड नहीं कर सकता। श्वेता, और यही वो जगह है जहां से उमर गौतम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मास्टरमाइंड तरीके से किस तरीके से और लोगों को अपने रैकेट में शामिल करना है। उमर गौतम का घर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जामिया नगर दिल्ली में ही ये घर है और इसी अपार्टमेंट में चौथी मंजिल में बताया जा रहा उमर गौतम रहता है। और आरोपी उमर गौतम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि उमर गौतम खुद पहले हिंदू था, धर्म बदलकर वो खुद मुस्लिम बना था और उसके बाद अब वो लगातार धर्म परिवर्तन करवा रहा था। श्याम प्रताप सिंह इसका नाम था, उमर गौतम जो बन चुका है उसका नाम पहले श्याम प्रताप सिंह था, 1984 में मुस्लिम बना था और इसका नाम बदला था और नाम इसका उमर गौतम हो गया। 21 साल की उम्र में इसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, श्याम प्रताप सिंह से उमर गौतम बन गया। उमर उर्फ श्याम प्रताप सिंह के पिता का नाम धनराज सिंह गौतम था। तो देखिए किस तरीके से खुद उमर गौतम जो है उसने 1984 में धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद इस तरीके से इस धंधे में कह सकते हैं संलिप्त हो गया और किस तरीके से पूरा का पूरा रैकेट न जाने कब से चल रहा था। 21 साल का उमर गौतम था जब उसने धर्म परिवर्तन किया। श्वेता, कहा यह भी जा रहा है कि जब उसने धर्म परिवर्तन 21 साल की उम्र में किया था तब परिवार वाले लोग नाराज थे, उसके बाद वो अलग रहने लगा था, लेकिन आज वो किस नेक्सस में शामिल है वो सामने आ रहा है। उमर गौतम जिसे आज गिरफ्तार किया गया, दरअसल वो एक हिंदू था, ये बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन परिवार वालों से बगावत कर धर्म परिवर्तन उसने किया था, उसके बाद वो मुस्लिम बना था। उमर का कबूलनामा हम आपको सुनाते हैं, कैसे उमर पहले हिंदू से मुस्लिम बना, फिर निरी लाचार लोगों को, बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के खेल में शामिल कर लिया। मैं भी एक हिंदू घराने में पैदा हुआ था, राजपूत घराना ठाकुरों का, यूपी में फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर के दरमियान। श्याम प्रताप सिंह गौतम नाम था, मैंने ईमान लाने के बाद मोहम्मद उमर नाम रखा। 20 साल की उम्र थी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करूंगा, मेरा नाम ये होगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, जकात दूंगा, हज करूंगा। एक एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मरतबा मैं हरमैन शरीफ में जा चुका हूँ। मेरे घर वालों को यकीन नहीं होता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार, आज भी उनको यकीन नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा ही हो सकता है अगर कोई ईमान पर आ जाए। उमर गौतम को आपने सुना, वो अपनी दास्तां बता रहा था कि किस तरीके से वो खुद कन्वर्ट हुआ और उसके बाद आज वो किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, उनका धर्मांतरण करने के लिए उन्हें उकसा रहा है। शालिनी हमारी सहयोगी उमर गौतम के घर के बाहर से मौजूद हैं। शालिनी, जब आपने पहले जानकारी दी आपने बताया कि आसपास के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस इलाके में उमर गौतम रहता है, जिस तरीके से उसके फ्लैट का पूरा ढांचा नजर आता है, वो नजर आता है कि वो किसी अच्छी खासी साउंडेड फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि उसने इसी धर्मांतरण से अच्छा खासा पैसा कमाया।
बिल्कुल बिल्कुल, उसका घर देख करके और जैसा अनुराग आप कह रहे हैं कि वो पूरी लोकेलिटी देख करके, और खास करके यहाँ वो रेंटेड नहीं था, उसका खुद का घर था। 7 से 8 साल पहले ही वो घर पे अपने यहाँ शिफ्ट हुआ था, जो मुझे जानकारी पता चली है। अपनी पत्नी के साथ वो रहता था, उसके बच्चे 3 बच्चे हैं और बड़ा बेटा जो है वो 22 साल का है, ग्रेजुएट भी हो चुका है, और आसपास जो लोग हैं उनमें उसकी साख बड़ी अच्छी है। मतलब ये जो पूरा खेल चल रहा था ये बड़े शातराना तरीके से चल रहा था, उसकी इमेज के ऊपर कहीं कोई धब्बा कम से कम इस पूरी सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, इलाके की बात करूं, तो यहां तो नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत शातराना ढंग से गुपचुप तरीके से इस पूरे काम को अंजाम वो दे रहा था, और इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि शायद सारा काम उनके ऑफिस से ही हो रहा होगा, क्योंकि अगर यहां लोगों का आना जाना होता तो आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को जरूर पता होता। अनुराग एक चीज मैं आपको बताऊं, 4th मंजिल पर वो रहता है उमर, और जो लिफ्ट है, क्योंकि 4 मंजिला ही वो इमारत है, और जो लिफ्ट है उसका इस्तेमाल सिर्फ उमर करता है और 3री मंजिल के लोग करते हैं, पहली और 2री मंजिल के लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उनके पड़ोसियों ने बताया कि 4थी मंजिल पर क्या चल रहा है ये पहली और 2री मंजिल के लोग तो नहीं जानते, क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल वो करते ही नहीं है। तो लिफ्ट से कौन ऊपर गया, कौन नीचे आया, चूंकि सीढ़ियों का इस्तेमाल उमर, उसका परिवार और आने जाने वाले लोग नहीं करते हैं, और लिफ्ट का इस्तेमाल बाकी बिल्डिंग के लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके घर में कौन जा रहा है कौन आ रहा है इस बारे में भी पहले दरवाजा नहीं खुल रहा था। अभी दरवाजा खुला क्या, कोई रिएक्शन अंदर से आया क्या? कोई रिएक्शन नहीं आया, दरवाजा बंद है। और जो दिल्ली पुलिस से मेरी बात हुई, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो तीनों जगहों पर गए, मतलब उमर के घर तो वो सबसे अंत में आए, जहांगीर के घर वो सबसे पहले गए थे, फिर उसके बाद उनके ऑफिस गए थे, और सबसे अंत में वो उमर के घर पहुंचे थे, लेकिन तीनों ही जगहों पर दरवाजा पीटती रह गई पुलिस। कुल 10 से 15 मिनट तक दिल्ली पुलिस मेरे सामने खड़ी होकर के उमर के घर का दरवाजा पीटती रही, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, अंदर कोई 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 चहल पहल नहीं नजर आ रही थी, दरवाजा उसी तरह से बंद था। लेकिन ये जरूर था कि दिल्ली पुलिस का कहना कि घर वाले अंदर ही मौजूद हैं और दरवाजा नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि पत्नी और बच्चे अंदर हैं, सिर्फ पूछताछ के लिहाज से वहां पर दिल्ली पुलिस गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसी दबिश देने की बात या कड़ाई की बात भी सामने नहीं आई। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि शायद दरवाजा खुल जाए, 10 से 15 मिनट तक वो नॉक करते रहे, लेकिन अंदर से कोई भी निकल करके सामने नहीं आया, और यही रणनीति जहांगीर के घर पर भी अपनाई गई। चलिए कब तक भागेंगे, कुछ तो अपडेट जरूर मिलेगा, और लगातार दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है शालिनी, और हमारी टीम भी जुटी हुई है, एक एक इन्फॉर्मेशन हम जी हिंदुस्तान के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बनी रहिए शालिनी हमारे साथ। इस वक्त एक और खबर जो मिल रही है, उमर गौतम ने जिन दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराया उसमें से कानपुर में रहने वाले एक बच्चे के पिता ने जी हिंदुस्तान से बातचीत में धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी जो है वो बयां की है। आपको सुनवाते हैं धर्म परिवर्तन की ये पूरी कहानी। हमें नहीं पता चला, उसका जो कागज हमको घर पे मिला था बक्से में तब मालूम हुआ था धर्म परिवर्तन करा। कागज में क्या लिखा? कागज में उसने अपना नाम चेंज किया। क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। आपका बच्चा मूक बधिर है, उसको आमतौर पर चीज समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या लगता है किस तरीके से लोगों ने उसको ब्रेनवॉश किया होगा? हम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी भाषा को जानते नहीं है। आपके बेटे की भाषा आप समझ पाते हैं? हम नहीं, पूरी तरह से नहीं समझ पाते। और नेहा और शाली हमारी दो सहयोगी बनी हुई हैं अलग अलग जगह से, नेहा गुरुग्राम से इस वक्त मौजूद है। नेहा, जिस तरीके से मनु की माँ बता रही थी कि पैसे की बात भी कहीं ना कहीं सामने आई थी, तो क्या कभी ऐसा हुआ था उनके माँ बाप से आपने पूछने की कोशिश की कि पैसे मिले हों या मनु के पास कुछ ऐसे सामान हो जिससे लगे कि ये आखिरकार उसे कहाँ से मिला, उसको लेकर सवाल किए हो उन्होंने? नेहा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, क्योंकि आप वहां पर उस घर के बाहर मौजूद है जिस घर पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर अंदर लोग हो सकते हैं, यानी बहुत बड़ी लीड मिल सकती है अगर वो दरवाजा खुले, अगर उमर के परिवार वाले उससे बात हो पाएगी तो शायद ये पता चल पाएगा कहां गिरोह के तार जुड़े हुए हैं, कैसे लोगों को बरगलाया जाता था, कैसे उन्हें फुसलाया जाता था। हो सकता है शालिनी तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन श्वेता ये बड़ा सवाल है, क्योंकि
अगर आप देखें इससे पहले जिस आरोपी को पकड़ा गया उसके भी घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। अभी उमर की बात की जाए, उमर गौतम के परिवार की, तो उसके भी परिवार के लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। यानी सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, और हो सकता है कि अगर वहां से दरवाजा खुले या परिवार के लोगों से बात हो पाए तो शायद पूरा नेक्सस समझ में आ पाए। अभी तो अनुराग देखिए कि पूरी की पूरी कड़ी जुड़नी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से बता रही है हमारी सहयोगी नेहा कि वहां एक टीचर हुआ करते थे शकील नाम के, और वो ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करते थे जिन्हें अपने शिकंजे में फंसाया जा सके, तो कई नाम सामने आ रहे, कई गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। और फिर डासना जेल वाला भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश का बड़ा खुलासा डासना केस की जांच के दौरान हुआ है। डासना केस से धर्मांतरण का ये बड़ा खुलासा हुआ। 2 जून को डासना से 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। डासना देवी मंदिर में जबरन घुसते वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई थी। दोनों से पूछताछ में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ। एडीजी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, वो आपको सुनवाते हैं। दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं, और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं, और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है। यानी इस केस में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और आप देखिए कि 21 साल की उम्र में जब उमर गौतम ने अपना धर्म परिवर्तन करवाया था, तब से श्वेता हो सकता है कि अब तक के नंबर्स कहीं ज्यादा बड़े हों, जब उसने लोगों का धर्म परिवर्तन लालच देकर या बहला फुसलाकर किया। कह सकते हैं अनुराग, कई परतें खुलना बाकी है, और तमाम अपडेट्स ही हिंदुस्तान पर हम आपको देते रहेंगे।